स्वागत है आप सभी का फिर से इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखो, ये तो मैं स्लाइड करते सेकंड टाइम आ गया। डर तो लगता है लेकिन मजा इतना आता है ना, वो जो फीलिंग आता है ना बता ही नहीं सकते हैं। साथ में गाना भी मस्त मस्त बज रहा था, लोग इंजॉय अच्छे से कर पा रहे थे, है ना। ये वाला थोड़ा सा इसका झरना वाला जो है ना, ये उतना सही नहीं लग रहा था क्योंकि ये आउटर में एकदम ज़्यादा इसका मतलब स्प्रिंकल सिस्टम जो था ना इसका बहुत ही गड़बड़ था, वो उतना था ही नहीं, लेकिन फिर भी काम चलाना था। ये छोटा छोटा जो स्लाइडर था ना इस पे और ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि एकदम पूरा वो डाउन गया हुआ है ना तो लगता था पानी में घुस गए। डर तो इसको भी लगता था लेकिन फिर भी बहुत कोशिश के बाद, अब रिद्धि का भी मन कर रहा था स्लाइड करने का, डर भी रही थी लेकिन इसको मजा भी उतना ही आता है, लेकिन लाख मोटिवेट के बाद आ तो गई लेकिन स्लाइड नहीं कर पा रही थी, डर रही थी। सब कोई बुला रहा था लेकिन वो आने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। लास्ट में हमको खुद जाना पड़ा और फिर उसके बाद उसको लेके छोड़ दिए, सीधे आ गई नीचे। फिर लेट भी नहीं लगा, मैं भी जल्दी स्लाइड करके आ गया। ये देखो ऋषभ का दोस्त एकदम पूरा, ये भी फैमिली अच्छा था और पूरा सब कुछ मैच हो रहा था ना तो फिर मजा भी आ रहा था, है ना। सारे परिवार वाले अपने अपने फैमिली मेंबर के साथ मस्ती करते दिखाई दे रहे थे। We'll be right back.
कॉपीराइट के चलते हम रियल सॉन्ग नहीं दिखा सकते यहाँ पे, बस ये मान लो कि हाँ गाना बज रहा था एकदम सीजनल एकदम सब। अब रहा नहीं जाता है, अब ये बगल वाले में मैं कूदा, ये मुझे तो लगा मैं अंदर ही चला गया क्योंकि इधर एक साइड में बहुत ही ज़्यादा स्लोप था और पानी मेरे गर्दन को टच कर रहा था। मैं तो लगा गया काम से एकदम, क्योंकि डायरेक्ट अंदर तो नहीं चला गया एकदम, क्योंकि गर्दन इतना पानी किसी भी पूल में नहीं था। लेकिन जैसे 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 दूसरे साइड जा रहे थे पानी कम होता जा रहा था, और मैंने तैरने का भी कोशिश किया, थोड़ा बहुत आ ही जाता है तैर लेता हूँ, मेरा पैर ज़मीन को टच नहीं कर पाता है। और फिर क्या था, कंटिन्यू है रिद्धि तो मेरे साथ एकदम इतना मस्ती कर रही थी, बस इसको अगर पूरा जबरदस्ती इसको निकालना पड़ता था, ये तो भाई गजब है गजब, निकलना ही नहीं चाहती थी पूल से एकदम। बादल भी मौसम एकदम गड़बड़ ही लग रहा था, पता नहीं आने वाले क्षण में क्या होने वाला है। अब धीरे 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 भूख के मार से तो एकदम लग रहा था कि हालत खराब है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही कुछ 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 लिट्टी समोसा ब्रेड पकौड़ा समथिंग समथिंग कुछ कुछ पैक करवा के पहले ही ले गया था, और फिर हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा जान में जान भी आना शुरू हो गया था। सबों ने मिल करके खाया क्योंकि भाई एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, आदमी थक बहुत जल्दी जाता है एकदम, नो डाउट, तो थोड़ा बहुत एनर्जी वगैरह लेते रहना चाहिए ताकि एनर्जी पूरा भरपूर बना रहे। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन जैसे 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 समय गुजरता है ना, फिर देखो क्या से क्या होने वाला है।
क्या नजारा है, क्या मौसम पूरा हो गया, बादल बादल हर तरफ एकदम। धीरे धीरे मौसम खराब पूरा होते जा रहा है, पूरा का पूरा, पूरा मस्त मौसम एकदम। ये लग रहा है कि अब क्या होने वाला है नेक्स्ट पल क्षण में, कुछ नहीं पता है एकदम। कहीं यहाँ पे आना पूरा पोपट तो नहीं हो गया, मन में ऐसे ख्यालात बिल्कुल भी आ रहा था। साउंड वेव वाले शाम का 5 बजे का वादा किए थे, लेकिन ये बिना लाइट का होता नहीं है। और जैसे ही आंधी तूफान होना शुरू हो गया, लाइट वगैरह सब कुछ कट गया। अब तो लगा अब हो गया। गजब मौसम हो गया है, गजब एकदम। पूरा ऐसा मौसम है ना कि क्या बताएं, खतरनाक वाला एकदम, पूरा मस्त एकदम। पूरा लगता है बारिश वरिश कब आ जाएगा, इसका कोई साथ में भरोसा भी नहीं एकदम। धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होते जा रहा है एकदम, है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे बात है, मौसम मस्त है ना, सब लोग इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं एकदम। खास करके इंजॉय तो बनता है ना, है कि नहीं, अभी कर रहे हैं। अब क्या था, धीरे धीरे आंधी उठना शुरू हो गया था। और यहाँ का आंधी मतलब पूरा बालू डस्ट, छोटा छोटा पार्टिकल सब एकदम पूरा पूल में घुस गया हर जगह एकदम। लोग अब धीरे 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 वापस आ रहे थे, क्योंकि मौसम का कोई ये नहीं था। नए नए फैमिली लोग सब आ ही जा रहे थे अभी। देखो मौसम पूरा गड़बड़ हो गया है, नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो बस आप लोग पूरा पार्ट बाय पार्ट देखते जाओ, ताकि वीडियो लंबा ना हो, और एंजॉय करते जाओ। थैंक यू।